अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन स्टाइल चिकन मैक्रोनी पास्ता। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में झटपट बन जाता है। सिर्फ 2 से 3 मिनट में बन जाएगा आपका ये पास्ता। आप इस तरह से ट्राई करें, बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पे हमने 2 कप मैक्रोनी पास्ता लिया है और यहाँ पे हमने पानी बॉयल होने रख दिया। इसमें हम डालेंगे पानी में उबाल आने के बाद पास्ता को। नमक डालेंगे, ऑयल डालेंगे 1 चम्मच और 80 से 90% तक हमें पास्ता को पका लेना है। एक बार हिला भी लेना है, नहीं तो नीचे जाके पास्ता बैठ जाता है। तो यहाँ पे हमने चिकन लिया है थोड़ा सा। आप चिकन नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट और नमक, थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें निचोड़ेंगे और मैरिनेट होने के हम 10 मिनट रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा पास्ता भी बॉईल हो रहा है, इस तरह से चेक करें। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे कट करके चेक करेंगे तो ये अंदर से भी पक चुका है। इसमें अंदर कोई भी वाइट वगैरह नहीं है और इसे हम छान लेंगे। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली जिसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन और सिर्फ 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने एक प्याज लिए जिसे हमने बारीक कट कर लिया है, इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ी साइज का टमाटर, इसे भी हमने बारीक कट कर लिया है, इसे डालेंगे, मिक्स करेंगे। हमने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसे हम इस टाइम पे डालेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। चिकन डालने से ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए हम डालेंगे और अच्छी तरह से हमें इसे पका लेना है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। अगर आप बिना चिकन के डालना चाहते हैं तो भी प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च के पेस्ट को हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए पका लेना है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, हमारी छोटी साइज की शिमला मिर्च है। लाल मसाला डालेंगे, ये लाल मसाला ज़्यादा तीखा वाला नहीं है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप एक हरी मिर्च को भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। इसके अंदर अभी हम डालेंगे टोमेटो केचप 1/2 कप। टोमेटो केचप ही है जो इस ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप अगर इस तरह का पास्ता बना रहे तो टोमेटो केचप याद से डालें, इससे खट्टा मीठा वगैरह बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और ये बॉयल पास्ता डालेंगे। आप रात में पास्ता को बॉयल करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो ये सुबह में आप इसे झटपट बना भी सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। टेस्ट के मुताबिक नमक डालें। तो यहाँ पे हमारे चिकन मैक्रोनी पास्ता इंडियन स्टाइल रेडी है, बहुत ही झटपट बनने वाला और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो ये देखिए, हमारी इंडियन स्टाइल चिकन मैक्रोनी पास्ता रेडी है। आप यकीन मानिए, ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। हमने जिस तरीके से बताया है आप उस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। और आपका पास्ता कैसा बना आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। डेफिनेटली ये हमारे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी ही बनेगा।
और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।